कटरीना जब इंडस्ट्री में आई तब वो नादान और भोली थी। अब कटरीना सीख गई है इंडस्ट्री की राजनीति। पहले दीपिका ने कटरीना को सबक सिखाने के लिए सलमान से की दोस्ती, फिर उन्होंने की फराह और शिरीष से दोस्ती ताकि सोनाक्षी को मिले जोकर में एंट्री। फिर लेडीज एंड जेंटलमैन में बनी वो कटरीना के एक्स बॉयफ्रेंड सलमान की हीरोइन। लेकिन कटरीना है कूल और कैलकुलेटिव, वो भी थी ऐसे एक मौके की तलाश में और उसे मौका मिल गया। कटरीना ने भी अब किया है सीधा दीपिका के दिल पे वार। सिद्धार्थ माल्या की टीम रॉयल चैलेंजर्स को नहीं करेंगे अब कटरीना सपोर्ट। पिछले 3 आईपीएल में कटरीना थी रॉयल चैलेंजर्स की ब्रांड एम्बेसडर, जिसकी वजह से बढ़ता था रॉयल चैलेंजर्स का ब्रांड वैल्यू। बट नाउ कटरीना ने ले ली है दीपिका की विकेट और क्लीन बोल्ड कर दिया है रॉयल चैलेंजर्स की पब्लिक इमेज पर। कैट्स है डिप्लोमेटिक और नहीं करती खुल्लम खुल्ला वार, वो है चतुर नार। इसलिए उन्होंने मीडिया में कहा है आई डोंट हैव टाइम ड्यूरिंग आईपीएल, आई एम बिजी शूटिंग फॉर मेरे ब्रदर की दुल्हन ड्यूरिंग दैट टाइम। कटरीना ने दीपिका को ये बता दिया है कि शी कैन पे हर बैक इन द सेम कॉइन एंड हिट दीपिका वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। अगर दीपिका कैट्स के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ दोस्ती कर सकती है तो कटरीना दीपिका के करंट बॉयफ्रेंड को बर्बाद कर सकती है। सिमी, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस रिवेंज ड्रामा? Hey, IPL is all about games. तो ये क्या जरूरी है कि only the cricketers have to play the game? दीपिका और कटरीना को भी खेलने दो ना एक दूसरे के साथ games.